राम लला विराजमान के अवसर पर भोवापुर अंबेडकर जुम्मा कॉलोनी के निवासी और दलित सेना के जिला अध्यक्ष सिराजुद्दीन, दलित सेना महानगर अध्यक्ष प्रदीप, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष कमल कुमार, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नीलम कुमारी, अंबेडकर जुम्मा कॉलोनी के निवासी शशि, अमित, सोरेन, जावेद, राजू, पनवारी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लोगों ने भंडारे का और पूजा पाठ का कार्यक्रम किया। इसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर इन लोगों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी एक पत्र भेजा और उसमें मांग की गई कि हम भोवापुर अंबेडकर जुम्मा कॉलोनी निवासी 30 साल से झुग्गियों में पक्के मकान की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन व प्रशासन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई है। हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से आग्रह करते हैं कि हमें पक्के मकान देने की इस शुभ अवसर पर कृपा करें, क्योंकि हम लोग 30 साल से यहां झुग्गी बस्ती में रहते चले आ रहे हैं। यहां हमारी ज़िंदगी बड़ी दुश्वारी से कट रही है, क्योंकि इस जगह पर बरसातों में पानी भी भर जाता है और भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जुम्मा कॉलोनी अंबेडकर नगर वासियों ने आज यहां एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें के राम लला विराजमान के मौके पर इन लोगों ने एक भंडारे का आयोजन किया है और साथ में इस टाइम ये सब लोग मौजूद हैं और हर्षोल्लास से इसे एक प्रोग्राम को एक त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं। और साथ में इनकी एक डिमांड भी है, जिस तरीके से राम लला विराजमान हुए और उनको अपने स्थान मिला, इसी तरीके से ये लोग भी चाहते हैं इनको पक्का मकान दिया जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे दलित सेना के जिला अध्यक्ष से। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन, दिल्ली सेना जिला अध्यक्ष, और झुग्गी से जो अंबेडकर जुम्मा कॉलोनी है, और मेरी तो यह है कि जो त्यौहार मंडे है, बहुत ही खुशी की बात है कि त्यौहार मंडे है और श्री राम जी को भी अपने घर मिल गए और हम सब जो गरीब है, दलित है, उन सबको भी अपने अपने मकान देने की अति कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सीता देवी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम गरीब लोग कब मिलेंगे। दर दर भटक रहे हैं इतने दिन से, बड़े आस लेके इनके पास जाते हैं, हमें मिलना चाहिए, हमें कहीं आसरा हो, लेकिन इनके बार बार हम आसरा मिलते नहीं है। निराश होके कहीं भी जाते हैं, निराश होके आते हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सब झुग्गी वाले के लिए कहीं न कहीं आसरा की जगह होना चाहिए। आपसे निवेदन है, अति कृपा होगा जो क्या कहते हैं, हम गरीब लोग के लिए कहीं आसरा मिल जाए, आपसे निवेदन है। सतवीर नाम है मेरा। आपकी मांग क्या है? सब मकान मिलना चाहिए, गरीब आदमी है, ज्यादा परेशान। आज की आज जो आपने प्रोग्राम कराया, इसकी वजह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं और हमारे जो राम जी बहुत गड्ढे में पड़े थे, आज हम उद्घाटन किया और हम सरकार से हमारी मांग है कि हमें मकान। का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये है कि मेरा नाम नीलम है, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से बोल रही हूँ मैं। ये है कि 500 साल से जिस तरीके से राम लला की तपस्या पूरी हुई, उनको स्थान मिला, उसी तरीके से 30 वर्षों से इस झुग्गी में रहने वाले गरीब लोगों को भी अपना स्थान दिलाया जाए, उनको घर मकान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है कि इस 30 परिवार जो झुग्गी में रह रहे हैं पिछले 30 वर्ष, मैं अपने मुख्यमंत्री से बहुत बहुत निवेदन करता हूँ और उनका मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जो कोई नहीं कर पाया, राम मंदिर बना और हमारे भगवान को उन्होंने जो क्या नाम है उसका बधारा। हम खाली इतना कहेंगे कि अगर सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम को घर मिल गया, हम गरीबों को तपस्या के बाद उन्हें मिला है, तो हम भी 30 वर्षों से रह रहे तो हमें भी मिलना चाहिए और सब गरीबों को मिलना चाहिए। बारिश है, पढ़ाई नहीं होती बच्चों की, कोई काम नहीं हो पाता है, गरीब में पानी छूता है, घरों में पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है, रास्ते घरों में भी पानी भर जाता है, पानी निकाल निकाल के फेंकते हैं, पानी जाने के लिए और सब से पैर है, भीग जाते हैं गड्ढे में, पानी भर गए तैयार हो जाते हैं।
मैं तो बस इतना बोलूंगी, जो हमारी जैसी इच्छा थी वैसे हमने अपने राम जी झुग्गी झोपड़ी में बुलाए, और हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे भी घर हो तो हम अपने राम जी को अपने घर में बिठाएं।